बताइएगा क्या स्ट्रेटजी जो May 13 को फ्लेक्सिबल की गई थी लॉकडाउन को हटाने की या खत्म करने की, तकरीबन आज 2 हफ्ते तकरीबन पूरे हो रहे हैं और ये सर्ज, ये इंक्रीज हमारे सामने है, क्या वो स्टेप ठीक नहीं था जो लिया गया? अल्लाह रहमान रहीम, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो इस वक्त उठाया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिसी में कंसिस्टेंसी ना होने के बायस, क्योंकि पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उससे पहले कुछ डेलीब्रेशंस होती हैं, उसका एक फॉलोअप सिस्टम होता है, और एक तो पॉलिसी जो है इन्होंने जब अनाउंस की और जब ये लॉकआउट की बात भी की है वो लेट किया इन्होंने, जबकि वहाँ पे ये सिलसिला जो है चाइना में जब शुरू हुआ उसके बाद एकदम से फैलना शुरू हुआ, तो ये बड़ा वाजह तौर पे ये बात सामने आ चुकी थी कि ये पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जो है वो शुरू होगा और तमाम दुनिया में ममालिक में ये शुरू हो रहा था, और हम क्योंकि चाइना से की हमसायगी में थे और हमारा लोगों का इंटरेक्शन जो है आना जाना, और उसके बाद आपके सामने जो वाक़यात ईरान के बॉर्डर पर हुए और जिस तरह से उसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया बस ऐसे अराकीन की तरफ से उठाया गया, इसकी वजह से वो बड़ी हमें स्ट्रिक्ट नजर आई थी कि वुहान से स्टूडेंट्स भी नहीं आने दिए गए थे, which was the right decision. But then उसके बाद onwards क्या हुआ? क्या decision making में, फैसला साजी में कहीं हमें एक बेरफ्त जो है वो होता हुआ नजर आया मामला सारा? एक दफा तो इन्होंने लॉकआउट किया, वो अमल दरामद प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं और लेट हुआ, लेट होने की वजह से ये हुआ कि वो स्प्रेड आउट हो चुका हुआ था और वो स्प्रेड हो उसका फैलाव इतना आगे हुजम बढ़ चुका था कि लॉकआउट वाज सिंपली उसका एक आंसर नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि चाहिए ये था कि उस वक्त लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, अब भी नहीं है, लोगों के गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है, लेकिन उस वक्त इसे भी कम थी।